बैठो जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जा रहे हैं और क्या आह्वान कर रहे हैं? जी, मैं जनता के बीच में ले जा रही हूँ। जो 5 साल में काम हुए हैं उनको बताने, लोगों को के बीच उनका जिक्र करने और फिर उनपे ही जो कि काम हुए हैं और एम्स जैसे काम हुए, ओआरओपी जैसे काम हुए, सड़कों जैसे काम हुए, तो उनका अपना रिपोर्ट कार्ड जो मोदी जी ने कहा था कि 5 साल बाद मैं दूंगा अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने रिपोर्ट कार्ड देने में सामने आए। तो आप क्या जो अभी लोगों से मिल रहे हैं, कुछ समस्या भी बता रहे हैं, क्या उनको बताएं? लोगों की समस्या बिल्कुल है, सब बहुत चीजों में है, तो वो मैं सुन रही हूँ और जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा इसका मैं इजाफा। एक जिक्र किया आपने कि राव साहब ने कोई अपना फायदा नहीं उठाया कोई सरकारी नौकरी में, किन लोगों ने फायदा उठाया? बाकी बहुत लोग हैं जी, जो आप समझना चाहें आप समझ। आज आपने चुनाव अभियान शुरू किया, कैसा समर्थन मिल रहा है? आज आपने सुना, अभी कल के लिए छोड़ दो। ये पहली बार है कि दो एम्स एक प्रदेश एक हरियाणा को मिले हैं, दो एम्स। इससे पहले जम्मू और कश्मीर में दो एम्स हैं, जम्मू को एक, कश्मीर को एक, और आंध्रा में दो एम्स है जिसका आधा आधा बंटवारा हो गया है, तेलंगाना को एक, आंध्रा को एक, मगर हरियाणा एक है और उसमें है एम्स दो। मैं आपको क्या कहूं, मैंने जो सीख उनसे ली है वो ईमानदारी की, वो सच्चाई की, और मुझे नहीं लगता कि उनसे सच्चा और ईमानदार नेता कभी रहा है। उनकी छवि ऐसी, जो आप कहोगे उनके लिए, वो कहते हैं ना कि राव साहब तो सबसे लड़ लेते हैं, और लड़ते क्यों हैं? आपके लिए लड़ते हैं। हर चीफ मिनिस्टर से बोलते हैं वो लड़ाई कर लेते हैं। क्यों लड़ाई करते हैं? आपके हक के लिए। राव इंद्रजीत सिंह, उनको ये शक्ति देने वाले आप ही सब हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, ना इन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए इस शक्ति को इस्तेमाल किया, कभी कि कोई भी परिवार का सदस्य हो उनका, मैं खड़ी हूं यहाँ पे, जिसे सरकारी नौकरी मिली। यहाँ तो बहुत सारे नेता हैं जितना अपने परिवार में ही सारी सरकारी नौकरियां बांटती, राव इंद्रजीत सिंह उनमें से एक बिल्कुल नहीं, राजनीति बिल्कुल नहीं। मेरी आप सभी से इंतजार है कि अच्छे भले नेता को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कमल का बटन जरूर बजाएं। और 12 तारीख को मेरे को मालूम है गर्मी होगी, मगर आप सब जरूर अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर जरूर निकलना और 12 तारीख को कमल का बटन बजा के भाजपा को जिताना, राव इंद्रजीत सिंह को वापस लाना। ये के मिलते थे, अब हर एक्टर में 8 क्विंटल से कम नहीं होगा। आपके गाजरे की जो बिक्री क्विंटल 1950 रुपए की थी और 1850 रुपए की थी, आज के दिन 1950 रुपए की बना दी गई। और सरसों 4200 पर क्विंटल बन गया। सड़कों की बात आती है तो जो पुराना और पटौदी से सड़क आती थी दिवाड़ी की, वो 6 लेन की हाईवे बन गई। बस को भी जयपुर हाईवे से लिंक कर दिया। हमारे लोगों में
कितने सालों से, दो मिनट दे रहे मुझे, हमें हमारे लोग, हमारे रेवाड़ी के जो वासी थे वो मांग रहे थे। सालों पहले, बरसों पहले एक सेंटर हुआ करता था, उसको निकाल दिया। जब राव इंद्रजीत सिंह डिफेंस में थे तो पर्रिकर साहब आए थे रेवाड़ी, और एक भर्ती सेंटर अब रेवाड़ी के पास है। पेंशन, कांग्रेस ने 100 करोड़ दे दिए थे वनराज पनवान पेंशन के लिए, 100 करोड़ बस। भाजपा सरकार ने इसे 8,500 करोड़ बनाए, और आज के दिन इस बजट से जो पिछला बजट गया है ये 12,500 करोड़ बन गया। तो इस रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को की मांग थी कि एक एम्स होना चाहिए। देखो एम्स आ गया, और उसका श्रेय आप लोगों को ही जाता है, क्योंकि बिना आपकी